आज हम लोग कोरल ड्रा में 3D टेक्स्ट बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए टूल बॉक्स में जाना है आपको। टूल बॉक्स देखिए आपका यहाँ पे है। टूल बॉक्स में से जाकर टेक्स्ट टूल्स को सेलेक्ट करना है और जो भी आप मैटर टाइप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे टैली पॉइंट को टाइप कर रहे हैं। टैली पॉइंट टेलीपॉइंट हमारा मैटर टाइप हो चुका है। आप इसको बड़ा कर लीजिएगा और टेक्स्ट बॉक्स में जाकर इसे सबसे पहले बोल्ड करना है। उसके बाद पॉइंटर टूल्स का उपयोग करिएगा। पॉइंटर टूल्स से आप क्लिक करके इसे बोल्ड कर लीजिएगा। आपका ये बोल्ड हो जाएगा और इससे जाके आप एक कलर चूज कर लेना। आपको कलर ले लिए हम और एक कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लेना है और इसका कलर लाइट फिल करना है। ये आपका कलर लाइट हो गया। और फिर से आप वापस टूल बॉक्स में जाना है। टूल बॉक्स में जाकर और ब्लिंड टूल्स का उपयोग करना है। यहां पे दिखाई दे रहा है ब्लिंड टूल्स। फिर ऊपर वाले फॉन्ट को नीचे वाले फॉन्ट से मिलान करना है। ये आपका मिल गया। 3D टेक्स्ट में ये आपका कन्वर्ट हो गया। आप इसे जैसे जैसे आप छोटा कीजिएगा या बड़ा कीजिएगा तो इसका शैडो इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा। यहां से देखिए इसका कलर इफेक्ट चेंज होगा। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे क्लिक करने से आपका चेंजिंग हो रहा है। देखिए इसमें चेंजिंग हुआ। आप जिस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका टेलीपॉइंट का 3D इफेक्ट मैटर रेडी हो गया। आप एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम कॉम लिखें और कॉम लिखने के बाद पूरे लेटर को आप कैपिटल लिखिएगा। कैप्स लॉक ऑन कर लीजिएगा कीबोर्ड में और कैपिटल लेटर में टाइप कीजिएगा और फिर इसे आप बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद इसका फॉन्ट स्टाइल आप टेक्स्ट बॉक्स में जाकर चेंज कर लीजिएगा। हम टेक्स्ट बॉक्स में जाके ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप कलर चेंज कर लेना। आपको यहाँ कलर हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद ठीक यहाँ पे कंट्रोल डी के द्वारा इसका कॉपी तैयार कर लें। आपका कॉपी तैयार हो चुका है और यहाँ पे हम कलर ले लिए। फिर आप कर्सर कंट्रोल की से आप अप एंड डाउन लेफ्ट राइट दोनों आप अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम कर लिए। अब इसका टूल बॉक्स में वापस जाना है और ब्लिंड टूल्स का उपयोग करना है। देखिए ब्लिंड टूल्स को लिए और यहाँ पे ड्रा आप इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ आपका आ गया। इस कलर को आप जैसे चेंज करिएगा आप तीन पार्ट में आपका कलर चेंज हो चुका है। आप इसे बड़ा करिएगा तो इसका इफेक्ट देखिए दिख रहा है आप लोग को 3D। इस टाइप से आप 3D टेक्स्ट को अपने से खुद बना सकते हैं।